माँ का दूध फायदे खूब। स्तनपान बच्चों के लिए अमृत के समान है। माँ के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि बच्चे की हर तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, और यह सुरक्षा बच्चे की पूरी बाल्यावस्था तक जारी रहती है। यदि माँ में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि माँ में कोविड-19 के लक्षण हैं या वह कोविड-19 से संक्रमित है, तब भी वह अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। इसके लिए उसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दूध पिलाते समय श्वसन स्वच्छता का ध्यान रखें। छींकते व खांसते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें व प्रयोग के बाद टिश्यू को बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में अवश्य डालें। मास्क का प्रयोग करें। बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोएं। नियमित रूप से अपने आसपास की सभी सतहों को डिसइंफेक्ट करें। यदि माँ कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार है तथा वे अपने बच्चे का स्तनपान नहीं करा सकती है, तब उसे अपने दूध को एक साफ कटोरी में निकालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध निकालने से पहले अपने हाथों को साबुन से कम 40 सेकंड तक धोएं। दूध निकालने के लिए जो कटोरी है वह भी अच्छी तरह साबुन और पानी से साफ की गई हो। निकाला हुआ दूध बच्चे को एक साफ कटोरी या कप से चम्मच की मदद से ही पिलाएं। यदि माँ गंभीर रूप से बीमार है तथा बच्चे को अपना दूध पिलाने या दूध निकालने में सक्षम नहीं है, तब वह ह्यूमन डोनर मिल्क बच्चे को पिला सकती है, यदि वह उपलब्ध है तो। कुछ समय के बाद माँ अपना दूध पुनः पिलाना शुरू कर सकती है, जिसे रिलैक्टेशन भी कहा जाता है। यदि शिशु कोविड-19 से संदिग्ध है या उसकी पुष्टि हो गई है, तो भी माँ मास्क का प्रयोग करते हुए बच्चे को दूध पिला सकती है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।